अभी जैसे आपने बताया बौद्ध धर्म के बारे में, एक जो अभी करवा चौथ गई है उस पर एक जो स्टैचू होती है, एक कागज की मूर्ति ली आपने 10 रुपए की, और कागज को 10 रुपए का टांग दिया जाता है, उसी कागज की मूर्ति से महिला कहती है हे करवा चौथ मेरे पति की उम्र लंबी कर देना। एक कागज की मूर्ति जैसा अभी आपने बताया कि चमत्कार दिखाने वाली बात, जो अभी पीछे जो करवा चौथ गई है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पीछे जो करवा चौथ गई है उसके बारे में हमारा समाज हमारा इतिहास भूल गया है, लेकिन हकीकत ये है कि जब ब्राह्मणों की महिलाएं यहाँ के पुरुषों के साथ संबंध बनाने लगी तो ब्राह्मणों ने अपनी महिलाओं को यहाँ के मूल निवासियों के चंगुल से बचाने के लिए उन्हें पति परमेश्वर की बेड़ियों में जकड़ा और करवा चौथ का व्रत रखाया कि परमेश्वर पति ही परमेश्वर होता है और अगर तुम करवा चौथ का व्रत रखोगी तो उसकी उम्र लंबी होगी और पति के बिना अगर किसी और की तरफ देखोगी तो नर्क का भागीदार होगा, तुम्हें नर्क का मिलेगा और महिलाओं को मजबूरन ये करवा चौथ का व्रत रखना पड़ा। लेकिन हमारे समाज की हमारा इतिहास गवाह है, पहले कोई भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखती थी, ब्राह्मण की महिला रखती थी, बनिए की महिला रखती थी, राजपूत की महिला रखती थी, लेकिन शूद्र और अति शूद्रों की महिलाएं करवा चौथ का व्रत नहीं रखती थी। मतलब आपने बोला कि हम गांव-गांव में जाके हम भीम बाबा साहब को जगाने की कोशिश कर और ये हम इस तरीके का करते हैं, तो मतलब जब आप गांव-गांव में जाती हो तो आपको किस तरीके की उन गांव के अंदर जाके परेशानी का सामना करना पड़ता है? गांव के अंदर जब हम जाते हैं तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब मंच के प्रोग्राम होते हैं तो मंच पे तो स्वागत भी होता है, सम्मान भी होता है, लेकिन जब हम गांव के बीच जाते हैं तो घंटों घंटों हम ऐसे ही बैठे रहते हैं, लोगों को घर में से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है और जो कार्यकर्ता होते हैं वो बार बार जाते हैं कि बाबा साहेब के विचारों को सुनने के लिए आओ, बहुत मेहनत करते हैं और तब वो बाबा साहेब के विचार सुनने के लिए आते हैं, लेकिन जब वो बाबा साहेब के बलिदान को सुनते हैं, जब मैं बाबा साहेब का बलिदान बताती हूँ बाबा साहेब ने हमें क्या अधिकार दिलाए, तो वही लोग हिंदू धर्म को आग लगाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं।